सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने घरों में एक वाटर पंप को दो जगह से कैसे ऑन ऑफ करेंगे, या तो ग्राउंड फ्लोर से भी या फर्स्ट फ्लोर से भी दो जगह से हम ऑन ऑफ कैसे करेंगे, आज हम उसकी वायरिंग करने वाले हैं। इस वायरिंग को करने के लिए फ्रेंड्स हमें दो वन वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को एक वायर लेना है छोटा सा, देखिए इस तरह से, और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे दोनों एंड को इस वायर का। तो फ्रेंड्स चलिए हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से हम लोग को टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स एक और हम लोग को वायर ले लेना है इस तरह से और ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जल्दी से इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब हम लोग वाटर पंप की वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स वाटर पंप की जगह पे हम लोग के पास अभी ये इसको बल्ब को हम कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि व्यवस्था नहीं है हमारे पास वाटर पंप की। तो आप लोग वाटर पंप की वायरिंग करिएगा, मैं आप लोगों को बस बेसिक बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को एक वायर को ले लेना है इस तरह से और इस वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस वायर को भी कनेक्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वायर को आप लोगों को वाटर पंप के एक एंड पे जोड़ना है। अभी हमारे पास वाटर पंप की व्यवस्था नहीं है तो हम बल्ब को ही जोड़ लेते हैं। देखिए ये हमारा बल्ब होल्डर है, इसको हम एक एंड में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक एंड में हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग को एक न्यूट्रल वाले टर्मिनल को भी कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल को हम लोग इस वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग को न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर लेना है नीचे वाले टर्मिनल में। अब फ्रेंड्स ऑफ करना होगा तब ये हमारा ऑन होगा। तो फिर से इसको हम ऑन करेंगे, इसी से ऑफ करेंगे तब ये हमारा अगला ऑन होगा। तो फ्रेंड्स एक को ऑन किए बिना उसको ऑफ किए बिना अगला ऑन नहीं होगा ना दूसरा ऑन होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।